जैसे कि हमने पीछे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप हम बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज लेके आए हैं और पूरा आपको उसका सिलेबस बताया था कि क्या क्या उस सिलेबस में हम कराएंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट लेके हम आ गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम आज बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, जीरो लेवल से आपका स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए। तो आप हमारे पूरे सीरीज को, अगर सारे वीडियोस को कर देखते हैं, तो आप घर बैठे हुए बहुत अच्छे से कंप्यूटर सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस टॉपिक में आज हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, वो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इन कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर बात करें कि फर्स्ट क्या क्या है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में आपको बताएंगे। हाउ डज द कंप्यूटर डू, कंप्यूटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो आपको बताएंगे। और कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो डेटा एंड इंफॉर्मेशन होता है। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। व्हाई इज द कंप्यूटर सो पावरफुल, आज की डेट में आपको मालूम ही है कि कंप्यूटर को पावरफुल माना जाता है, तो वो क्यों पावरफुल है वो आपको उसके रीजन बताएंगे। हाउ डज अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू, कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ता है कि उसको क्या काम करना है, वो आपको इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में आपको बताएंगे कि उसके बेसिक कंप्यूटर सिस्टम्स के पार्ट्स क्या होते हैं। हाउ टू प्रोसेस इनटू द सीपीयू, अगर आप सीपीयू के अंदर, अभी आपको सीपीयू के बारे में नहीं पता होगा, तो सीपीयू की जानकारी देंगे और सीपीयू में प्रोसेस कैसे होता है, बेसिकली कंप्यूटर में काम कैसे होता है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूजेस बताएंगे कि अलग अलग जगह पर कहां कहां पर कंप्यूटर का यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें आज की डेट में, तो कंप्यूटर सिस्टम्स आर एवरीवेयर टुडे, यानी आज की डेट में आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर हर जगह पर आपको मिलेगा, चाहे बिजनेस के लिए हो, इंटरटेनमेंट के लिए हो, शॉपिंग के लिए हो, एजुकेशन पर्पज के लिए हो, डेली लाइफ के लिए हो, कम्युनिकेशन के लिए हो, या एवरी किसी भी सिचुएशन के लिए। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर बात करें हम कि आज की डेट में अगर इमेजिन करने की बात करें कि विदाउट कंप्यूटर का कुछ करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, कि क्योंकि हर जगह पर, हर आप जगह पर आप कंप्यूटर आजकल देखते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह में भी देखते हैं, किसी भी ऑफिस में आप जाएं, चाहे बैंक में जाएं, एमएनसी कंपनी में जाएं, ऑफिस में जाएं, आप कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, आज की डेट में कंप्यूटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वही बात कि अगर आपने कंप्यूटर, अगर आज की डेट में आपको कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर का बेसिक बिगनर स्टूडेंट्स भी नहीं है, आपको बिगनर लेवल का भी नहीं आता, तो आपको सरवाइव करना कहीं पर भी आपको बहुत मुश्किल या कठिन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट इन कंप्यूटर वर्ल्ड। अगर हम कंप्यूटर वर्ल्ड में फर्स्ट की बात करें, तो वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो था वो ENIAC है। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, इसके बारे में और जानकारी हम बाद में आपको देंगे। इंडियाज फर्स्ट बुल्ट डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ मेड बाय ECI, सिद्धार्थ ने जो है ECI नाम का एक पहला डिजिटल कंप्यूटर तैयार किया था। इंडियाज फर्स्ट बुल्ट सुपर कंप्यूटर, जो पहला जो हमारे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम परम है, मेड बाय सी डेक ने ये डेवलप किया था, बनाया था। फर्स्ट कंप्यूटर वॉज एस्टेब्लिश इन मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर ऑन 16 अगस्त 1986 में, सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था पोस्ट ऑफिस के अंदर बैंगलोर। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस जो था, सबसे पहले दिल्ली में जो है एस्टेब्लिश हुआ था। पैरादेस इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर हिंदी कमांड्स, तो हिंदी कमांड के बेस पर सिर्फ एक ही जो है जो लैंग्वेज में काम करता है वो पैरादेस। नेक्स्ट, इन 1971 सेंसस
IBM 1401 कंप्यूटर वॉज यूज इन इंडिया. तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर 1971 सेंसस में IBM 1401 कंप्यूटर हमारा इस्तेमाल किया गया. डॉक्टर राज रेड्डी इज द फर्स्ट इंडियन हु गेट PhD इन द कंप्यूटर साइंस. तो मिस्टर राज रेड्डी जो है हमारे फर्स्ट जो है इंडियन है जिन्होंने PhD कंप्यूटर साइंस में की थी. सिस सिस्टम मेल्स इज अ सर्विस फॉर इंडियन लैंग्वेज प्रोवाइडेड बाय CDEX. तो सिस्टम मेल्स जो सर्विस है जो है इंडिया की फर्स्ट इंडिया की लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज में जो CDEX ने उसको इस्तेमाल किया था. मंत्रा ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस. तो मंत्रा जो था वो फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर. सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट वेयर टेलीफोन डायरेक्टली इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. तो सबसे पहला जो सिक्किम राज्य था जहां पर टेलीफोन डायरेक्टली जो है अवेलेबल था इंटरनेट के लिए. तो ये कुछ आपको द फर्स्ट इन कंप्यूटर वर्ल्ड था. तो नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की. जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि अभी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके सामने दिख रहा है जिसमें कि आपको एक मॉनिटर यानी कि आउटपुट करने के लिए मॉनिटर दिखाई दे रहा है, एक आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर और माउस भी देख पा रहे होंगे आप, और साथ में एक CPU भी यानी कि इसको CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और स्पीकर्स भी यहाँ पर आपको देखने वाले. ये एंटायर जो आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर सिस्टम्स है. इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में नेक्स्ट आगे चल के आपको इसको डिटेल में समझाएंगे. तो नेक्स्ट आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं इसको हम लैपटॉप बोलते हैं. ये लैपटॉप है और जिससे आप आज की डेट में लैपटॉप का सबसे ज्यादा यूज होता है कैरी करने के लिए इधर से उधर. तो आपको लैपटॉप का मैं सिस्टम यहाँ पर एंटायर सिस्टम दिखा रहा हूँ. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लैपटॉप डेस्कटॉप्स ये सारे सिस्टम आप देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, जैसे अपने घर पे आप रख के काम कर सकते हैं. लैपटॉप को कहीं पर भी हम कैरी करने के लिए इधर से उधर कैरी करने के लिए जनरली यूज करते हैं. डेस्कटॉप मीन्स डेस्क में रखने वाला कंप्यूटर्स, लैपटॉप मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने वाला कंप्यूटर्स. बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैलकुलेट डेटा वेरी फास्ट, जो कि कैलकुलेट करने का काम करता है डेटा को, और डेटा क्या होता है वो आपको अभी समझाएंगे. प्रोवाइड्स रिजल्ट्स एक्यूरेटली, जो कि हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है एक्यूरेटली. इट इज कंसीडर दैट व्हेन वी प्रोवाइड एक्यूरेट इनपुट्स, अगर हम इनपुट एक्यूरेट देते हैं तो 100% वो जो प्रोवाइड करता है आपको 100% आउटपुट की एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर के अंदर. तो इसको ही हम कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं COMPUTER. अगर इसको एक्सप्लेन करें, इसका फुल फॉर्म एक्सप्लेन करें तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन. तो हमारी जो सिस्टम है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च. तो कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है उससे भी आप काफी चीजें समझ सकते हैं कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है आज की डेट में ही, और पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए और रिसर्च पर्पज के लिए आज की डेट में कंप्यूटर को ही यूज किया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था हर जगह पर कंप्यूटर का यूज होता है. अब बात करते हैं व्हाट डज कंप्यूटर डू, कंप्यूटर काम क्या करता है. कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म 4 जनरल ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन में काम करता है जनरली. विच कंप्रेसेस द इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल बोलते हैं इसको. जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज, यानी कि इनपुट करने का काम करते हैं, जैसे जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया जाते हैं उनको इनपुट बोला जाता है. और जब हम इनपुट कर देते हैं, यूजर इनपुट कर देता है, ऑपरेटर इनपुट कर देता है, तो उसको प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद उसका रिजल्ट आपके सामने आउटपुट में दिखाई देता है, जैसे स्क्रीन में दिखता है या प्रिंटर में दिखेगा आउटपुट, और उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर भी करेंगे. जैसे कंप्यूटर की परमानेंट हार्ड डिस्क स्टोरिंग डिवाइस होती है हार्ड डिस्क, और उसके अलावा हम अदर अदर चीजों में भी स्टोरेज कर सकते हैं. इस तरह से हाउ व्हाट डज अ कंप्यूटर डू ये काम करता है. कुछ ग्राफिकली अगर इसे दिखाएं हम तो देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इसको अगर ग्राफिकली दिखाऊं तो पहले इनपुट करेगा और इनपुट होने के बाद हमारा प्रोसेस होगा
और प्रोसेस होने के बाद वो कहीं ना कहीं हमारा स्टोर होगा डेटा, और डेटा स्टोर होने के बाद वो हमें आउटपुट भी स्क्रीन में देखे। इस तरह से कुछ उसकी प्रोसेस चलती है। अब बात करते हैं कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन का जानना हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो ऑल द कंप्यूटर प्रोसेस रिक्वायर डेटा। किसी भी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर जो हो, सारे कंप्यूटर्स को डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको कुछ ना कुछ काम करने के लिए। विच इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जो कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स के फॉर्म में होती है, एंड सिंबल्स के फॉर्म में होती है, कह सकते हैं, सच एज नंबर्स, वर्ड्स, इमेजेस, वीडियोस एंड साउंड, जो कि नंबर्स, वर्ड्स, इमेजेस, वीडियो एंड साउंड्स के फॉर्म में होती है, गिवन टू द कंप्यूटर ड्यूरिंग द इनपुट फेजेस, जो कि इनपुट फेजेस से हमें दिया जाता है, तो इसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जब मैनिपुलेट करता है डेटा को, यानी कि हम जैसे ही हम जो भी इनपुट फेजेस इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, वो मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेट करता है लॉजिकली, या कह सकते हैं कैलकुलेशन करता है, तो फिर उसका हमें रिजल्ट दिखाई देता है। जब हमें रिजल्ट आता है तो उसको हमें इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो होता है, डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल एंड यूजफुल, यानी कि वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, मीनिंगफुल फॉर्म में होगा और यूजफुल होगा किसी के लिए भी, तो इसको बोलते हैं हम डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाई इज अ कंप्यूटर सो पावरफुल। जैसे कि आपको मालूम है कि आज की डेट में कंप्यूटर को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, तो कुछ रीजन के बिहाइंड, क्योंकि कुछ रीजन है इसके, तभी हम कंप्यूटर को सबसे ज्यादा पावरफुल बोलते हैं। तो पहला अगर बात करें तो द एबिलिटी टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल विद अमेजिंग स्पीड। तो कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, जितनी स्पीड होती है उतनी स्पीड एक ह्यूमन बीइंग या किसी की भी पॉसिबल नहीं है होना, तो इसलिए वो जो परफॉर्म करता है, जो स्पीड से परफॉर्म करता है, वो उसकी अमेजिंग स्पीड होती है। सेकेंड रीजन अगर बात करें तो रिलायबल, यानी कि रिलायबिलिटी होती है, लो फेलियर रेट, यानी कि वो हमेशा रिलायबल होता है, कभी भी फेल नहीं होता है अपने टास्क में काम करने में। अगर हम काम करें और लगातार काम करें तो हम थक जाएंगे और हम अपना जो नया टास्क हुआ उसमें परफॉर्म प्रॉपरली 100% नहीं कर पाएंगे, बट ये कंप्यूटर आप कंटिन्यू नॉन स्टॉप काम करके आपको दे देगा, लो फेलियर रेट रहेगा। उसके अलावा उसकी एक्यूरेसी भी रहेगी, 100% एक्यूरेसी काम करेगा, और एबिलिटी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। और कंप्यूटर का काम होता है कि हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज की डेट में एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर ऑल्सो। तो हम कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी फॉर्म में, हम कम्युनिकेट करने के लिए चाहे सर्वर की यूज करें या मोबाइल का यूज करें, कंप्यूटर का यूज करें या कहीं भी टेलीफोन का यूज करें, तो हर काम के लिए आज की डेट में कंप्यूटर ही यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। सो दैट्स वाई वी कैन कॉल कंप्यूटर सो पावरफुल। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करें हाउ डज अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ता है कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, क्या परफॉर्म करना है, किस टास्क में काम करना है, तो सिंपल बात है कि इट मस्ट बी गिवन अ डिटेल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर जो सिस्टम्स होता है हमारा, उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बारे में आपको पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होते हैं वही बताते हैं, दैट टेल इट एग्जैक्टली व्हाट टू डू, वही बताता है आपको कि एक्चुअली उसे करना क्या काम है। बिफोर पॉसिंग अ स्पेसिफिक जॉब, अगर कंप्यूटर में कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी काम करने से पहले द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू द जॉब मस्ट बी स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले उस परफॉर्म करने से पहले वो स्पेसिफिक जॉब को कंप्यूटर क्या करता है, उसको पहले कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देता है, और उसके बाद वंस द प्रोग्राम इज स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाता है, द कंप्यूटर कैन स्टार्ट द ऑपरेशन बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो फिर कंप्यूटर जो है ऑपरेशन, जो भी काम, जिस भी स्पेसिफिक जॉब में काम करने के लिए वो ऑपरेशन करना स्टार्ट करता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, एक के बाद एक काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी बेसिक कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हैं इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे यहाँ पर आपकी कीबोर्ड्स हैं और माउस हैं, ये सारे जो हैं इनपुट डिवाइसेस होते हैं।
नेक्स्ट में बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू किसे बोलते हैं, तो जनरली जो सीपीयू होता है इस तरह का कुछ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, इसको हम मेन माइंड ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर ऐसे अटैच रहता है। उसके बाद अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली मेमोरीज होती है, जो कि याददाश्त बोल सकते हैं नॉर्मली, तो ये मेमोरी होती है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें, जैसे हमारे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ही नहीं बल्कि हमारा प्रिंटर्स भी हो सकता है, प्लॉटर्स हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्क्रीन्स हो सकती हैं, प्रोजेक्टर भी हो सकता है और स्पीकर्स भी हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। उसके अलावा अगर स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ पर बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे यहाँ पर एक परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस हार्ड डिस्क है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप सीडी रोम डीवीडी आप देख सकते हो, यहाँ पर आप पेन ड्राइव देख सकते हो, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव देख सकते हो, इनके बारे में आपको डिटेल में सब समझाया जाएगा। तो ये एक बेसिक आपको बता रहे हैं कि बेसिक में कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये आप थोड़ी थोड़ी सा आपको जानकारी हो जाएगी कि हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू प्रोसेस इनटू द सीपीयू। जैसे इनपुट की बात करते हैं तो कीबोर्ड से हम इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में और इंस्ट्रक्शन देने के काम कर सकते हैं, और अगर हम रिजल्ट देखना चाहें आउटपुट जैसे देखना चाहें तो वो हमारे मॉनिटर आउटपुट में आ जाएगा। और बट जो सीपीयू होता है वो मेन माइंड ऑफ द कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मेन माइंड जो होता है सीपीयू को ही बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके अंदर जो प्रोसेस होती है, अगर उसके अंदर की प्रोसेस की बात करें तो हाउ टू प्रोसेस इनटू द सीपीयू, वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और आप जो भी आप चीजें समझ रहे हैं वो सब चीजें नोट डाउन कर सकते हैं आप पॉज करके स्क्रीन को, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट करके भी वो चीजें देख सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। और ये क्योंकि बेसिक लेवल हम बिगनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी उसमें डाउट हो, किसी भी टॉपिक में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, डाउट हो रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रोसेस इनटू द सीपीयू। तो जनरली आपने देखिए इस तरह का सीपीयू बॉक्स जरूर देखा होगा, तो इसको सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं। तो ये जो एंटायर कैबिनेट है इसके अंदर बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स पार्ट्स अटैच रहते हैं इसके अंदर बेसिकली। तो अगर हम सीपीयू की बात करें तो इसको हम सीपीयू बोलते हैं, जनरली ये एक मदरबोर्ड के अंदर छोटा सा एक सीपीयू लगा होता है, इसको मेन माइंड ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कि ये बिल्कुल मेन माइंड होता है, दिमाग होता है, जिसके थ्रू सारी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर चलती हैं और जो भी हम इनपुट करते हैं इसके अंदर ही जाता है और आउटपुट भी इसी से प्रोसेस होके आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इस इनपुट मतलब इस सीपीयू के अंदर प्रोसेस अगर होती है तो किस तरह से होती है, प्रोसेस कैसे होगी, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इनपुट डिवाइस आप जानते ही हैं कि कीबोर्ड और माउस होता है, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूं बार बार, और आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। और जो आपको बीच में आपको सेंटर में बिल्कुल दिख रहा है उसको सीपीयू बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो इनपुट और आउटपुट के बिल्कुल सेंटर में ये आपका जो है सीपीयू होता है, इसलिए इसको सेंट्रल बोला जाता है, और इसका काम जो होता है वो प्रोसेस करना है। तो जो इसकी मेन वर्किंग जो है प्रोसेस करनी है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग बोलते हैं। और यूनिट्स, दीज ऑल आर द यूनिट्स, ये सब यूनिट्स होते हैं, इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। तो इसमें काम कैसे होता है वो समझिए, जैसे कि यहां से इनपुट जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे हमारे कंप्यूटर्स में, तो कंट्रोल इस सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीन सेक्शन होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है जो कि लॉजिकल प्रॉब्लम, आपकी कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना होता है। सीयू का यानी कि कंट्रोल यूनिट का काम होता है आपके इंस्ट्रक्शंस को रिसीविंग एंड सेंडिंग करना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, जैसे इनपुट से लाना, फिर उसको मेमोरी में भेजना, अर्थमेटिक में, लॉजिक में भेजना, सॉल्व आउटपुट में लाना, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम होता है। मेमोरी यूनिट का काम होता है रीड एंड राइट करना, कोई भी इंस्ट्रक्शन को रीड करने का काम करता है और राइट करने का काम भी मेमोरी ही करती है। तो देखिए काम कैसे करता है, जनरली अगर बात करें प्रोसेस कैसे होता है सीपीयू के अंदर, कोई भी इंस्ट्रक्शन यूजर जो होता है वो इनपुट डिवाइस से देता है, चाहे कीबोर्ड हो या माउस हो, इंस्ट्रक्शन देने का काम के बाद जो यूजर होता है उसका काम खत्म हो जाता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो रिसीव करता है इनपुट यूनिट से, यानी कि इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, पार्ट्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, वहां से आप कंट्रोल यूनिट रिसीव करता है डेटा को, और सबसे पहले वो ये अनसॉल्व जो भी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि अनसॉल्व जो होता है
इंस्ट्रक्शंस उसको मेमोरी के पास भेजता है रीड करने के लिए, समझने के लिए। और रीड का काम जब कंप्लीट हो जाता है तो कंट्रोल उसे उठा के वापस कहां भेजता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेजता है, वहां प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब यहां पर जाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करता है प्रोसेस करने के बाद, और फिर दोबारा से कंट्रोल यूनिट इसको उठा के वापस दोबारा से हमारी मेमोरी यूनिट में भेजता है और अब सॉल्व वाली प्रॉब्लम को चेक करता है, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट यहां से उठा के फाइनली इसको आउटपुट डिवाइस में दिखा देता है, यानी कि चाहे मॉनिटर हो या प्रिंटर्स हो या कुछ हो सकता है वॉइस फॉर्म में भी हो, स्पीकर्स में भी वो आउटपुट आ सकता है। तो होल प्रोसेस अगर बात करें कि सीपीयू के अंदर प्रोसेस कैसे चलती है, तो कुछ इस तरह से चलती है। ये बेसिक लेवल का आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर का यूजेस की अगर बात करें तो कंप्यूटर आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट हर जगह पर यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात करते हैं पीसी एट होम, घर में किस किस क्या क्या यूज हो सकते हैं कंप्यूटर के। कॉमन यूजेस फॉर द कंप्यूटर विद इन द होम, कंप्यूटर गेम, जैसे बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, बच्चे वगैरह गेम खेलने के लिए इसका यूज करते हैं। वर्किंग फ्रॉम होम, घर से बहुत सारे जैसे वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हैं आप, आज की डेट में ऑनलाइन में काम कर सकते हैं। बैंकिंग फ्रॉम होम, घर से ही हम बैंकिंग के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं नेट बैंकिंग यूज करके, मोबाइल बैंकिंग यूज करके। कनेक्टिंग टू द वेब, देखा होगा आपने, आजकल जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम इंटरनेट से वेबसाइट के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे हुए ले सकते हैं, तो कनेक्टिंग टू द वेब से हम कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी हमें अगर सामान मंगाना है तो ई कॉमर्स के थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आज की डेट में। और नाउअडेज ऑनलाइन एजुकेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज की डेट में आपने देखा कि लॉकडाउन के बाद जो है ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ा है अभी, जिससे कि स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, एजुकेशन पॉइंट्स सेंटर में इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे थे, तो वो घर पे ही ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। उसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल वर्क फॉर्म में, कि ऑफिस एप्लीकेशंस में स्टॉक कंट्रोल मेंटेन करने के लिए भी हम जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे अकाउंट्स एंड पेरोल को भी के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे अकाउंट वगैरह मेंटेन करना हो टैली के थ्रू या किसी अकाउंट पैकेज के थ्रू, और तो ये हम यूज कर सकते हैं और इसका कंप्यूटर को यूज करके इसको कर सकते हैं बड़ा आसानी से। और ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन सिस्टम, आजकल बहुत सारे कंपनी ऐसी हैं जहां पर ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट जो है सिस्टम रॉ मटेरियल डालते हैं और ऑटोमेटिकली सारा प्रोजेक्ट जो है मतलब रॉ मटेरियल डालने से लेकर वो पैकेटिंग होने से लेकर तक सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है, प्रोजेक्शन सिस्टम बोलते हैं इसको, वो भी कंप्यूटर के जरिए होता है। और डिजाइन सिस्टम के अंदर बात करें तो जैसे कंप्यूटर एडिट डिजाइन कैड जिसे बोलते हैं, बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं या जो भी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है तो उसका मॉडल तैयार किया जाता है, एक आर्किटेक्ट यानी कि एक लेआउट तैयार किया जाता है, तो वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू ही तैयार किया जाता है। उसके अलावा डीटीपी डिजाइनिंग कह सकते हैं, जैसे पब्लिशिंग मीडिया हाउस के अंदर आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में, पोस्टर्स में, आजकल बुक्स वगैरह मैगजीन्स होती हैं स्टूडेंट्स की, स्कूल की बुक्स होती हैं, कॉलेज की बुक्स होती हैं, इंस्टीट्यूशन की बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होते हैं, तो वो सारा जो डिटेल्स जो जितना भी वहां पर वो पब्लिश होता है वो छपता है प्रिंट होता है वो डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिकेशन डिजाइनिंग कहते हैं उसको, वो भी हम उसमें भी कंप्यूटर का ही यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स अगर बात करें डेली लाइफ के अंदर हम कंप्यूटर का यूज कहां कहां पर कर रहे हैं, तो जैसे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, गेम्स के लिए यूज कर रहे हैं, एजुकेशनल के लिए आप मैंने अभी बताया कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए उसको यूज कर रहे हैं, स्मार्ट आईडी कार्ड्स के लिए उसको यूज कर रहे हैं, सुपरमार्केट्स में उसका यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का, वर्किंग फ्रॉम होम जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वर्किंग फ्रॉम होम में यूज करते हैं कंप्यूटर्स का, और इंटरनेट स्पेशली का इंटरनेट में कंप्यूटर का यूज होता है, बिना इंटरनेट कंप्यूटर के होता नहीं है, और ऑनलाइन एजुकेशन जैसे मैं आपको अभी बताया, जैसे मैं ग्राफिकली आपको दिखा रहा हूं। बेसिकली हम अगर कंप्यूटर का यूज की बात करें तो कोई भी सेक्टर, चाहे एजुकेशन फील्ड है या बिजनेस फील्ड है, हॉस्पिटल्स है, बैंकिंग है, गवर्नमेंट ऑफिस है, होम है, मार्केटिंग है, स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, तो हर फील्ड में हम अभी कंप्यूटर का यूज आज की डेट में किया जा रहा है, और आप देख भी रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, और आप भी कभी इसकी जरूरत होगी तभी आप बिगनर लेवल में आप
कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे इस बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल को, और जो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है। कंप्लीट आपको हिस्ट्री बताएंगे, कंप्यूटर की आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए सारी कि कैसे कंप्यूटर बना, कब आया, कैसे आया, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो उसके अलावा कंप्यूटर की जनरेशन आपको बताएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जनरेशन होती हैं कंप्यूटर की, और कब कब कंप्यूटर में कौन कौन सा अपडेशन हुआ, क्या इम्प्लीमेंट हुआ, किस तरह के कंपोनेंट्स आए, ये सारे जनरेशन के अंदर आएंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन कौन से कंप्यूटर्स। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा।